हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मटी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अपकमिंग मूवी एवेंजर 5 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक छोटा सा नोट, कोरोना वायरस के चलते अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मार्वल डीसी सोनी से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रहा है हमें, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हो। आप मेरे सोशल मीडिया पे जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जिसपे कि आपको सारे अपडेट तुरंत मिल जाएंगे और ज्यादातर अपडेट मैं मॉर्निंग में डालता हूँ। तो जाके अभी फॉलो करो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई भी अच्छा टॉपिक होगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा ऑल अपडेट की, जैसा कि आज का वीडियो है। तो गाइस, अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। एवेंजर्स एंड गेम के बाद जो कोलैबोरेशन हुआ वो सबके लिए बहुत बड़ा था, और देन फैंस उसको अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं। करीब अराउंड ये मूवी मैंने 33 बार देख ली है, जी हाँ, सॉरी 37 टाइम बार देखी है ये मूवी मैंने, स्टोरी पे भी डाला था, तो अभी तक तो इस मूवी को मैं देख रहा हूँ। अब अपडेट ये है स्मॉल सा कि कैप्टन मार्वल एवेंजर 5 में मेन लीड करेंगी और वो एक इविल लुक में रिटर्न होंगी, जो कि अपोजिट लड़ेंगी नए सुपर हीरो से। जी हाँ, अब ऐसा क्यों है ये तो मुझे अभी क्लियर नहीं है, पर ये अपडेट आया है और ये अपडेट अभी कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, रूमर है, तो इसलिए मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको इविल लुक देखना है और इविल स्टोरी लाइन देखनी है तो आप जाके अभी भी चेक कर सकते हो गूगल पर, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस, जाके चेक करो, गूगल पर डालना कैप्टन मार्वल इविल लुक और न्यूज़ पे क्लिक करना, आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी कि ऐसा रीज़न क्या हो सकता है और स्टोरी लाइन में क्या दिखाया गया है। तो गाइस, अगर एवेंजर 5 में ऐसा एक्चुअल में होता है कि कैप्टन मार्वल एवेंजर 5 में इविल बन जाती हैं और लीड करती हैं, तो ये तो बहुत ही भयंकर होने वाला है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इस अपडेट को जानने के बाद। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और एवेंजर 5 के लिए आपके दिमाग में क्या प्रेडिक्शन है वो भी ज़रूर बताना। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में एक्स्ट्रा। तो डीसी कॉमिक में एक विलेन है ब्लैक मैंटा, तो उसकी ओरिजिनल स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी हमें एक्वामैन 2 में, जो कि अभी हाल ही में अपडेट से पता चला है। देन उसी के बाद नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के लिए एक अपडेट है कि इसका जो चौथा सीज़न आने वाला था वो अब 2021 में रिलीज़ होगा, क्योंकि डेविड आयर ने अभी हाल ही में अपडेट दिया है। वो कह रहे हैं कि टाइम पर शूटिंग नहीं हो पा रही है, तो फिर रिलीज़ भी नहीं हो पाएगा। वंडर वुमन ऑफिशियली डिले हो गई है, जी हाँ, अब ये रिलीज़ होगी 14 अगस्त 2020 को, पहले ये जून में रिलीज़ होने वाली थी। उसी के साथ जेंडर कट रिलीज़ हुए अभी हाल ही में, छोटा सा एक इमेज जिसमें कि पता चल रहा है कि हाँ, शायद अब हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी ये रिसेंट में जैक स्नाइडर ने रिवील करा है। देन पिक कार्ड ऑफिशियली आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, आप इसे फ्री में देख सकते हो 23 तारीख के बाद, जी हाँ, 23 अप्रैल के बाद आप इसे फ्री में देख सकते हो, आपको कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत देखने की नहीं है। देन उसी के बाद फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में फैल्कन का एक नया कॉस्ट्यूम, जो कि कॉमिक बुक से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है, और ये आपको अब मूवी में और टीवी सीरीज में भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ जॉम्बी ट्रेन टू बुसान, आप सभी को पता होगा इसके सेकंड पार्ट का फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है, जो कि काफ़ी खतरनाक लग रहा है, और देन आज की स्थिति भी कुछ ऐसी हो रही है। और देन यूएस में सुपरमैन ने स्पाइडरमैन को बीट कर दिया, यानी कि सबसे ज़्यादा फेवरेट अब सुपरमैन बन चुका है ऑल टाइम। और अब उसके बाद एरियल से रिलेटेड अपडेट ये है कि इसमें नए 4 सॉन्ग ऐड करे जाएंगे, जो कि डिज्नी की एक लाइव एक्शन अपकमिंग मूवी है, और सभी को लाइव एक्शन काफ़ी आजकल पसंद भी आ रही है, तो एक छोटा सा स्मॉल अपडेट था। देन इसी के साथ ब्लैक विडो के ऑफिशियली कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जिसमें कि टास्क मास्टर का भी लॉन्च हुआ है और एक ब्लैक विडो का व्हाइट कॉस्ट्यूम में भी लॉन्च हुआ है। तो अगर आपको ये फुली एचडी में डाउनलोड करने हैं तीनों, तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाके फुली एचडी में से डाउनलोड कर सकते हो। और देन एक और कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुआ है कैप्टन अमेरिका का, जी हाँ, इन्फिनिटी वॉर का, जिसमें कि उनकी शील्ड नज़र आ रही है वकांडा टैटूज में, जी हाँ, आप देख सकते हो गौर से, तो आपको ये भी मेरे ट्विटर अकाउंट पे देखने को मिल जाएगा। और देन ऑफिशियली हॉकआई का एक फंकू लुक लॉन्च हुआ है, जो कि एवेंजर एंडगेम का, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है, और देन ये खड़ा हुआ है अभी थैनोस के प्लेनेट पर, जी हाँ, नीचे की ज़मीन से। और जेम्स गन ने एक चीज़ कन्फर्म कर दी है कि वो काम कर रहे हैं सुसाइड स्क्वाड का घर पर ही, जी हाँ, पूरा एडिटिंग वर्क। तो गाइस, ये थे वो आज के और कल के अपडेट, और देन अगर आपको और भी अपडेट जानने हैं तुरंत, तो आप मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट तुरंत पता चल जाएं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे पेज को लाइक करें, रील में आपको ये वीडियो पसंद आए तो भी लाइक करें, शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।